नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, लगातार चौथे दिन एक बार फिर से NHM के अंतर्गत CHO की पोस्ट के लिए अपडेट वेबसाइट पे आ चुका है। न्यू वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई और ये जो वैकेंसी है NHM के अंतर्गत यहाँ पे जारी कर दी गई। और दोस्तों, इसमें कुल मिला के 5000 पद यहाँ पे शामिल कर लिए गए, तो 5000 वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी। सभी कैटेगरी में ये पद यहाँ पे शामिल किए गए, अनरिजर्व, EWS, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे GNM वाले हैं आप लोग अप्लाई करें, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे BSc नर्सिंग वाले हैं आप लोग भी अप्लाई करें, साथ ही साथ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल, तो महिला और पुरुष दोनों इन वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे। और इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, इस बार जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज़ की गई, बिल्कुल आप सभी लोग हेडिंग पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, NHM उत्तर प्रदेश के तहत CCHN ट्रेनिंग, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है और इसके लिए आप लोगों को आवेदन करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी इसमें यहाँ पे शामिल की गई, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी पैकेज और क्या अदर स्टेट्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की जानकारी इसी तरीके से आगे आपको मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली जो जानकारी आपको यहाँ पर जो दी जा रही है, CCHN का आप लोगों का यहाँ पर एक कोर्स है 2022 से 2023 सेशन के लिए। और दोस्तों, ये जो इनिशिएटिव है आयुष्मान भारत स्कीम, इसके तहत दोस्तों ये हेल्थ और वेलनेस सेंटर में CHOs की यहाँ पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी कर दिया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई, नंबर ऑफ पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, इसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, लिखा है शुरुआत में 5000 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी, तो संविदा के आधार पे 5000 पद इसमें आप पे शामिल कर लिए गए। शुरुआत में आपके 4 महीनों की, 4 मंथ की आपकी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस CCHN ट्रेनिंग आप लोगों की आयोजित कराई जाएगी। और दोस्तों, आप सभी लोग सबसे पहले इसमें इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो जानकारी आपको टेबल में दी गई, पोजिशन का नेम, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की यहाँ पर पोस्ट है, 5000 पद इसमें आप पे रहेंगे, इसमें से 2000 पद अनरिजर्व के लिए हैं। इसके बाद OBC के 1350 पद हैं, इसके बाद शेड्यूल कास्ट के 1000 पद हैं, इसके बाद दोस्तों देखिए PWD के 200 पद हैं, EWS के 500 पद हैं और शेड्यूल ट्राइब के 100 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो 5000 टोटल यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे शामिल कर ली गई। क्वालिफिकेशन की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे GNM का डिप्लोमा रखते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ में अगर आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा है आप लोग आवेदन करें, यदि आपके पास BSc नर्सिंग है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, और यदि आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी आप लोग देख लें, तो 35 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई करें जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास GNM का डिप्लोमा है या फिर आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री है या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है, तो आपको यहाँ पे देखिए नर्सेस एंड मिडवाइफ फ्रॉम UP नर्सिंग एंड मिडवाइफ काउंसिल, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों को वैलिड रजिस्ट्रेशन भी आपको ये चाहिए पड़ेगा। और ये कब चाहिए पड़ेगा, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय आप लोगों को वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के तहत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अप्लाई किस तरीके से करना है और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या निर्देश आपको दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ही पॉइंट में लिख लिया गया है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी सोर्सेज शैल नॉट बी कंसिडर्ड। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा और कोई भी अदर सोर्स के माध्यम से आप लोग आवेदन ना करें।
बाकी कब से कब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ये सारी जानकारी आप लोगों को जो है डिटेल नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upnrhm.gov.in। फर्दर जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को इसमें मिल जाएगी, प्रेस एडवर्टीजमेंट भी इसमें आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से ही आप लोग अप्लाई करेंगे। और दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई और NHM उत्तर प्रदेश के तहत ये CHO का रिक्रूटमेंट यहाँ पे रहेगा। और दोस्तों इससे पहले लगातार 3 दिन यहाँ पे CHO की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो 3 वीडियो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी 3 वीडियोज़ की, आप लोग उनको वॉच कर लें और उनको भी आप लोग अप्लाई कर दें यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है। तो ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब कर रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।